मैं क्या बताया तुमको, तीन पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कहानी नरेट करने के लिए। एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, एक कहानी का, एक डायरेक्टर का। ठीक है, लीनियर नरेशन होता है और एक नॉन लीनियर नरेशन होता है। तुम्हारे अंदर एक्टर कब जागेगा और जब जागेगा तब तुमको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि अच्छा आज का हम जो सीन कर रहे हैं उस सीन का क्रक्स ये है, इसमें कैरेक्टर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, इसका कल्मिनेशन ये है, इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ने वाला है। मान लो कल को तुम कोई डायरेक्टर या चीफ असिस्टेंट अच्छा नहीं मिला, तो यू शुड बी एबल टू ग्राफ योर ओन सीन। और जितना सिनेमा से इन्वॉल्व होते जाओगे तुमको सिनेमा उतना गाइड करता जाएगा। अब तुमको तुम आओगे सेट पर ना कंफर्टेबल रहोगे। जैसे होता है ना यार, नया अचानक तुमको कपड़ा दे दिया, थोड़ा सा तुमको लगेगा कि तुमने जूता पहन लिया, तो थोड़ा ध्यान रहेगा। और इवन तुमने अगर अंडरवेयर पहना हुआ है ना, तो भी तुमको लगेगा दुनिया वहीं देख रही है तुमको पता तुमने पहना हुआ है, मगर वो एक उससे दोस्ती करना पड़ता है। सिनेमा से दोस्ती करना पड़ेगा तुमको, उस कैरेक्टर से दोस्ती करना, उस कपड़े से दोस्ती करना पड़ेगा, जिस सोफे में बैठ रहे हो तुमको उससे दोस्ती करना पड़ेगा। अब तुमको वो सिनेमा जो है वो सपोर्ट करेगा और तुम अपने आप वो मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। और जिस दिन तुमने खुद मोमेंट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया तुम एक्टर हो गए, और जिस दिन तुम ऐसे एक्टर हो गए डायरेक्टर तुम्हारे लिए रोल लिखना शुरू करेगा। अरे यार अभिषेक के लिए लिखते हैं, वो साला खिला देता सीन, उठा देता है। तो तुमको उस रेंज तक आना है। अभी क्या हो रहा है, फिल्म तो ब्लैंक चल रहा है, अपन ने ऑडिशन दिया, सामने गए, एक लुक वाइज फिट बैठ रहे थे, ठीक ठाक बोल लेता है, काम मिल गया। मगर स्टार बनना है अगर आपको, लार्जर रीच करनी है अगर आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट सीखने पड़ेंगे और सिनेमा से हर दिन इन्वॉल्व होना पड़ेगा। होता क्या, हम लोग नीड बेस्ड काम करते हैं कि आज रिक्वायरमेंट आई तो चले गए। जैसे जिम है, 11 बजे नहीं 12 बजे कर लिया, या कुछ भी ढील ढाल कर देते हैं हम लोग। सिनेमा में ये नहीं चलता, क्रिएटिव साइड में रोज़ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिनेमा आपको छोड़ देगा। जैसे अगर आपने डांस की प्रैक्टिस बंद कर दी, सरगम की प्रैक्टिस बंद कर दी, रियाज करना बंद कर दिया, तो आपका गला वाला ख़राब हो जाएगा, आप नहीं गा पाओगे। तो सिनेमा वो डेली का है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते जो अपने आप को एक्टर बोलते हैं, कि डेली एक सिचुएशन क्रिएट करना है, डेली कुछ किरदार प्ले करने हैं, डेली कुछ अप एंड डाउन करना है, वॉइसिंग करनी है, पिचिंग करनी है, डेली करना है। वो ऐसा नहीं है कि सडनली अचानक करना शुरू कर दिया और वापस आपके अंदर का एक्टर जाग गया। वो 20 साल बाद होगा, वो 20 साल बाद ऐसा होगा कि रोहित उससे बात कर रहा है, तो मैंने बोला शॉट रेडी, ठक टर्न किया, रोहित ने अपना शॉट दे दिया, सीजनड हो गया। तो वो सीजनड एक्टर बनने के लिए आपको अपना माइंड एक्टिव एक्टिव करना पड़ेगा टुवर्ड्स सिनेमा। सिनेमा रोज की चीज है, मसल मेमोरी जैसी ही है। यस, एक बार हम जिम कर लेते हैं तो उसके बाद अगर छोड़ दिया फिर बन जाती है। यस यस, मसल की मेमोरी वापस रीगेन कर लेता है वो। लेकिन वो तब होगा जब 20 साल आपने जिम किया। करेक्ट, जब आपने क्या होता है कि कुछ चीजें, बेसिक चीजें एक सर्टेन एज में की जाती हैं। आप 60 साल की उम्र में अगर जब वीक मेटाबॉलिज्म होता है तब शायद मसल बनाने बहुत मुश्किल होगा। तो आपको भाषा सीखना है, अगर कला सीखनी है, डांस सीखना है, ये अभी करना पड़ेगा। तीन चीज अपने जीवन में जरूर करना, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल। ये तीन चीज जरूर करना, मतलब इंडियन क्लासिकल में सीखो म्यूजिक में जाके, और कोई डांस का फॉर्म क्लासिकल डांस सीखो, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। जो कथक जो है वो राधा और कृष्ण की लीलाओं पर बना हुआ है, तो जो एक्ट्रेसेस को सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है वो कथक होता है। कि आपको अदा से देखना है, अदा से देखना है तो कथक में सिखाते हैं वो लोग। बाकी कुछ रफ और डायनेमिज्म वाले डांस होते हैं वो भरतनाट्यम वगैरह होते हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते, क्या सीखे तुमने, मैंने तो बॉलीवुड डांस सीखा है। बॉलीवुड डांस नाम का कोई डांस नहीं होता, इसे कचरा खिचड़ी कुछ भी नहीं है। मतलब डोंट मेक नोरा फतेही एंड कटरीनाज एंड ऑल दीज पीपल एज अ रेफरेंस और एज योर लैंडमार्क, दे आर नॉट। वहीदा रामा, नूतन, वैजंती माला, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, पंकज कपूर, मतलब ये मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, ये लोग हैं जो टैलेंटेड लोग, अनुपम खेर, परेश रावल। मतलब अभी भी इस समय OTT में वो NSDNs को काम मिल रहा है जिन्होंने 20-25 साल संघर्ष किया फॉर नो रीज़न। वो बहुत अच्छे थे मगर फिल्म का जो जोन था वो इंग्लिश था और ये हिंदी भाषी थे, तो इंग्लिश लोगों को हिंदी भाषी समझ में नहीं आता, उनको वो लो स्टैंडर्ड मानते हैं। फैक्ट ये है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो लो स्टैंडर्ड है, क्योंकि उनके अंदर कला है ही नहीं, वो सिर्फ ब्राज स्टाफ दिखा के काम कर रहे हैं। कलाकार जो होते हैं वो अपनी मदर टंग और हिंदी भाषी होते हैं और गर्व से होना चाहिए। इसलिए आज की डेट में मनोज वाजपेयी, दिव्यंदु भट्टाचार्य, ये सब लोग उभर के आ गए, के मेनन, मतलब एक से एक लोग उभर के आ गए जिन्होंने मतलब उस समय बहुत ट्राई किया मगर वो अंग्रेज जगत ने उनको दबा के रख दिया और अब उनकी पोल खुल गई। पोल खुल गई तो ये बहुत गोल्डन टाइम है फॉर एक्टर्स टू कम, ये बहुत गोल्डन टाइम है टू लॉन्च योरसेल्फ और बिकम अ स्टार विद गुड गुड एक्टिंग स्किल।
जब तुम्हारे अंदर एक्टिंग स्किल अच्छी होगी तो 100% ऑडियंस हाथों हाथ ले लेगी, क्योंकि ऑडियंस स्टार्स को रिजेक्ट कर रही है, नेपोटिज्म और इन सब चीज़ को रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो है नहीं, एक्टर्स नहीं, खोखले हैं अंदर से वो।